महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस के बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीएम को लेकर कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका है। सवाल उठ रहा है कि आखिर पेच फंसा कहां है, कहां महायुति के घटक दलों में सीएम पद को लेकर कोई खींचतान चल रही है। क्या एकनाथ शिंदे ही दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या ये बनने की उनकी इच्छा है, या फिर 132 सीट जीतने वाली बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस के सिर पर जीत का सहरा बंधेगा। बीजेपी पुरजोर तरीके से फडणवीस के नाम को आगे बढ़ा रही है। अजीत पवार ने भी फडणवीस के नाम का समर्थन कर दिया है। तो बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार कौन होगा नया मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का। वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हुआ था और एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो हम लोग ऐसे शिवसेना की तरफ से तो हम हमेशा सोचते हैं कि उनको पहला क्लेम देना चाहिए, और जितना हम लोग शिंदे साहब को प्यार करते हैं उतना ही प्यार और विश्वास हमें फडणवीस साहब के बारे में है। ये दोनों की एक जोड़ी है। आप ये देखिए कि ये जोड़ी ने क्या चमत्कार करके दिखाया। अजीत दादा बाद में शामिल हो गए तो अजीत दादा का भी इसमें क्रेडिट है, लेकिन ये तो पहले से दोनों इकट्ठा चल रहे, वही जोड़ी कायम रहे और उन पे भगवान का भी आशीर्वाद है। ऐसा है, ये चुनाव जो हमने लड़ा ये एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद नेता मुख्यमंत्री कौन, कोई चेहरा सामने रखकर हमने चुनाव नहीं लड़ा, तो इसलिए जो निर्णय सृष्टि करेंगे वो हमारा नेता होगा। दरअसल बताते हैं कि आगे ये हो क्या रहा है, क्योंकि दिल्ली में सीएम का फैसला होना है, बैठकों का दौर चल रहा है और लगातार बड़े नेता जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ शिंदे गुट ये जरूर चाह रहा है कि शिंदे ही एक बार फिर से नेतृत्व करें महाराष्ट्र का, लेकिन बीजेपी भी जिस तरह निखर कर सामने आई है देवेंद्र फडणवीस के नाम को आगे बढ़ा रही। सौरभ वक्तानिया हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई, ये कब तक साफ हो पाएगी? और ये रही बात खेमे की, तो शिंदे गुट की तरफ से जा रहे शिंदे बन जाए, फडणवीस की तरफ से बीजेपी फडणवीस को आगे करना चाह रही है, लेकिन तस्वीर साफ कब तक हो पाएगी और कहां पेच फंसा नजर आता है? जी देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी इस वक्त जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती है, भले ही आज आखिरी दिन हो महाराष्ट्र विधानसभा का, लेकिन आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपना इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद जो पूरा मंत्रिमंडल है महाराष्ट्र की सरकार का वो खत्म हो जाएगा। कहीं भी कोई भी पार्टी घाई नहीं करना चाहती। दो पहलू मैं आपको बता दूं, देवेंद्र फडणवीस का जो गुट है और बीजेपी, खासतौर पर बीजेपी महाराष्ट्र है, उनका यह कहना है कि 2019 में जिस तरीके से मैंडेट मिला था और जब शिंदे पार्टी छोड़कर यानी कि एक स्प्लिट हुआ शिवसेना में, तब वो जब बाहर आए तो देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। जो बीजेपी के सोर्सेज महाराष्ट्र के वो आज तक को बता रहे हैं, साफ तौर पर उस समय सीएम से वो डीसीएम बने, उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे, लेकिन एक बड़ी पोजीशन के बाद एक डिमोशन हुआ और वो लगातार एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करते रहे, अजीत पवार को साथ लेके आए और उन्होंने इस इलेक्शन में प्रूव कर दिया कि महाराष्ट्र के असली किंग मेकर वो है। और जिस तरीके का मैंडेट इस समय मिला है तो उनको ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी का ही सीएम होना चाहिए। दूसरा, बीजेपी के एमएलए अंदर में ये बात कर रहे हैं कि अगर इस बार 132 सीट्स लाने के बाद भी अगर बीजेपी का सीएम महाराष्ट्र में नहीं बैठा तो महाराष्ट्र का बीजेपी का जो कैडर है वो काफी नाराज हो जाएगा। सभी ने एकमत होके कल जब एक मीटिंग हुई थी, आज तक को अंदरूनी जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि एकमत एक आवाज में एक फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होना चाहिए। और ये मैसेज जो महाराष्ट्र के लीडर्स है उन्होंने दिल्ली भी पहुंचा दिया है। अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना का, इस शिवसेना का ऐसा करना है कहना है, ढाई साल पहले जब उन्होंने एक शिवसेना से निकल के अपनी एक अलग शिवसेना बनाई और जब वो सरकार में शामिल हुए तो वो एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था और उसके लिए एक हिम्मत लगती है और वो हिम्मत के लिए उसको दाद देनी चाहिए और इसलिए महाराष्ट्र के एक बार फिर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बनना चाहिए।
दूसरा उनका ऐसा कहना है चाहे वो लाड़की बहन योजना हो, चाहे अलग अलग योजना हो, और ये पूरा जो इलेक्शन लड़ा गया है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ही चेहरे के दम पर लड़ा गया है, इसलिए ये काफी ज्यादा फाइट कर रहे हैं। और सोर्सेज हमें ये भी बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की तरफ से दिल्ली तक भी बीजेपी के लीडरशिप को मैसेज चला गया है और ये दावेदारी की है कि उनको सीएम बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जबरदस्त माथापच्ची, जबरदस्त फंसी हुई है। फिलहाल कोई घाई नहीं कर रहे हैं, मीटिंग का दौर चल रहा है, लगभग एक हफ्ते का समय और लग जाएगा जब तक नाराज ना किया जाए। लेकिन जब बात मुख्यमंत्री पद की आती है तो नाराजगी भी हो जाती है। क्या वही बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी भी फैसला हो नहीं पाया।